हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स उमंग बेच के चैप्टर नंबर वन का लेक्चर नंबर फोर। लेकिन लेक्चर नंबर फोर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट में दो तीन होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देखे थे वो हम एक बार उनका सॉल्यूशंस यहाँ पे बोर्ड पे देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक शुरू के तीन लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले उन तीनों लेक्चर्स को देखो, जिससे कि आपको आगे के सभी लेक्चर्स आसानी से समझ में आ जाए। उन लेक्चर्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके वहाँ पे आप बता सकते हो, हम लोग आगे के एक अलग से लेक्चर बना के या फिर आगे के जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उन लेक्चर्स में आपके सभी डाउट्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और ये वीडियो अगर लाइक अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने तीन क्वेश्चंस लिखे थे, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन करने के बाद में हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। यानी कि ये जो तीन दो क्वेश्चंस हमारे को दे रखा है, इन दोनों के अंदर जो डिजिट्स दे रखे हैं इनका यूज करके बिना रिपीटेशन के, मतलब हमें डिजिट्स को दोबारा नहीं लिखना है, एक डिजिट एक ही बार यूज करना है। इनकी हेल्प से हमारे को ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम जैसे इसको देखते हैं तो इसके अंदर ग्रेटेस्ट डिजिट कैसे, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, सॉरी डिजिट बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो हमें चार डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे उसका हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ऐसे ही यहां भी हमारे को क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने का क्या तरीका है कि हमारे पास जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं उन डिजिट्स को हमारे को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, मतलब उनको घटते हुए क्रम में अरेंज कर देना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा होगा इनमें, नाइन। तो सबसे पहले क्या आएगा, नाइन आएगा, फिर क्या आएगा, सेवन आएगा, उसके बाद में फोर आएगा और फिर क्या आएगा, वन। तो ये जो नंबर हमारे को मिला है ये नंबर ही हमारा क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, जो कि इन चार डिजिट्स की हेल्प से बिना रिपीटेशन के बनाया जा सकता है। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि चार, इन चारों डिजिट से कौन सा नंबर सबसे बड़ा बनाया जा सकता है। तो वही है हमारे को क्या करना है, जो भी हमारे को डिजिट्स दिए हुए हैं उनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो सबसे बड़ा नंबर इस इन चारों डिजिट्स में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सिक्स है। उसके बाद में कौन सा होगा, फाइव होगा। उसके बाद में क्या होगा, फोर होगा। उसके बाद में जीरो होगा। तो ये जो नंबर हमारे को मिला है ये इन चार डिजिट से बनने वाला चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, जिसमें जिसको हमने विदाउट रिपीटेशन के बनाया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म किया जाता है, सेम जिस तरीके से हमने ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म किया वैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर बनाया जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे को डिजिट्स दिए हुए हैं उनको हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, वन है। उसके बाद में फोर है। उसके बाद में सेवन है। उसके बाद में नाइन है। तो ये जो नंबर हमारा मिला है हमें इन नंबर्स को क्या करने में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने में, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन चार डिजिट से बनाया जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कैसे फॉर्म किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं वापस यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। हमें क्या करना है, इन चार डिजिट्स को अरेंज करना है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब सबसे छोटा डिजिट क्या है, जीरो है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप यहाँ जीरो लिख दोगे तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। एक्चुअल में यहाँ पे जीरो नहीं भी लिखोगे तो आगे के जो डिजिट्स होंगे वो हमारे जो नंबर बनाएंगे वो नंबर और इसको लिखने के बाद में जो नंबर होगा वो दोनों सेम ही है। यानी कि ये एक्चुअल में तीन डिजिट का नंबर बनाया, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में क्या करना था,
चार डिजिट का नंबर बनाना था। तो यहाँ क्या होगा, कभी भी हमारे को जो हाईएस्ट प्लेस है यानी सबसे लेफ्ट में जो प्लेस है उस पर जीरो नहीं लिखना। तो फिर क्या करें, उससे बड़ा वाला डिजिट कौन सा होगा, फोर होगा, उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अंदर तो क्या कर सकते हैं, हम जीरो लिख सकते हैं। तो उसके बाद में क्या होगा, हमारा जीरो सेकेंड नंबर पर हायर प्लेस पर आ जाएगा, हाईएस्ट प्लेस पर नहीं आएगा, उससे हायर प्लेस पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, उससे बड़ा डिजिट और उससे बड़ा डिजिट। तो ये जो नंबर हमारा बना है ये इन चारों डिजिट से बनने वाला सबसे छोटा नंबर हमारा होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। हमारे को क्या करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट चार डिजिट का नंबर बनाना, सेम वैसे ही जैसे यहाँ बनाना था। लेकिन यहाँ क्या है, कंडीशन है यूजिंग एनी नंबर डिजिट, एनी वन डिजिट ट्वाइस। यानी क्या कर सकते हैं, हम एक डिजिट को दो बार लिख सकते हैं, उसकी हेल्प से हमारे को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। तो देखो, तो यहां मैं लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट नंबर दोनों के इधर की तरफ, और यहां यहां जी मतलब ग्रेटेस्ट है ध्यान रखना, और एस यानी स्मॉलेस्ट। तो देखो कैसे करना है, चार डिजिट का नंबर बनाना है, तो देखो हमारे को इन तीन डिजिट्स की हेल्प से चार डिजिट का नंबर बनाना है, एक डिजिट को हम सब रिपीट कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना है ना, तो दिमाग में यही रखना है कि जो सबसे बड़ा वाला डिजिट होगा उसको ही रिपीट करना है। तो यहाँ सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, आठ है, तो हम क्या करेंगे, आठ को दो बार लिख देंगे, उसके बाद में उससे छोटा डिजिट क्या है, सेवन है, उससे छोटा डिजिट थ्री है। तो ये जो नंबर हमारा बना है ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा इन तीन डिजिट्स की हेल्प से बनने वाला, चार डिजिट का नंबर जिसमें एक डिजिट को हमने रिपीट किया है। उसके बाद में यहाँ क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाए, तो जो सबसे बड़ा डिजिट है वो क्या है, नाइन है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो बार रिपीट करेंगे, और चार और उसके बाद में जीरो, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे को लिखना है डिजिट्स को, तो ये हमने डिजिट्स को लिख दिया। अगर तीन डिजिट का बनाना होता तो ये नंबर हमारा होता, तीन डिजिट का बनाना होता तो ये नंबर होता। अब ग्रेटेस्ट बनाना है तो जो सबसे बड़ा वाला डिजिट है उसको ही हमें रिपीट करना है, और उसको सबसे हाईएस्ट प्लेस में हमने लिख दिया। तो यहाँ भी हमने ये दोनों क्वेश्चन ग्रेटेस्ट डिजिट के, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के कर लिए। अब स्मॉलेस्ट में क्या होगा, हमारे को क्या करना है, इन्हीं नंबर्स को यहाँ लिखना है, लेकिन एक डिजिट, एक नंबर को दो बार रिपीट कर सकते हो, तो सबसे छोटे वाले नंबर को रिपीट करो, और हमारे को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज करना है। तो क्या होगा, तीन सबसे पहले, उसके बाद में फिर से क्या आएगा, तीन आएगा, फिर आएगा सेवन आएगा, फिर आएगा एट। तो ये जो नंबर हमारे को मिला है ये नंबर हमारा क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो कि इन तीन डिजिट्स और एक डिजिट को दो बार रिपीट करके बनाया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ क्या होगा, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो स्टार्टिंग में क्या है, जीरो है, तो हम स्टार्टिंग में जीरो नहीं लिख सकते, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फोर लिखेंगे। अब फोर को अगर दो बार रिपीट करोगे तो यहाँ फोर लिखना पड़ेगा, वो 4400 कुछ आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में जीरो जो सबसे छोटा डिजिट है इसको दो बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, उसके बाद में क्या लिख देंगे, नाइन लिख देंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन क्या है कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर्स। वही है कि हमारे को क्या करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट फोर डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यूजिंग एनी फोर डिफरेंट डिजिट, यानी 0 to 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं उनको हमारे को यूज करके कोई सा भी डिफरेंट, ध्यान रखना डिफरेंट डिजिट्स को यूज करना है, यानी रिपीटेशन यहाँ भी अलाउ नहीं है। इनकी हेल्प से हमारे को चार डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, उसने कंडीशन बोल दी है कि ऐसा आप लोगों को हमेशा करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं, फिर इससे इन दोनों का आइडिया हमारे को लग जाएगा। उसने बोला है कि डिजिट 7 ऑलवेज एट वंस प्लेस। हमारे को क्या करना है, 0 to 9 तक के डिफरेंट डिजिट्स को यूज करके चार डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो 7 है उसको हमेशा हमारे को क्या करना है, वंस प्लेस पे फिक्स करना है, ये वंस प्लेस में हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे को ग्रेटेस्ट डिजिट फॉर्म करना है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट कैसे फॉर्म करें, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करें, तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हमारे को डिजिट्स को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होगा, 9 होगा,
उसके बाद में क्या आएगा, 8 आएगा, उसके बाद में क्या आता है, 7 आता है, लेकिन 7 कहाँ है, वंस प्लेस पे है, क्योंकि उसने खुद बोला है कि डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, तो उससे छोटा डिजिट क्या होगा फिर, 6 होगा। तो ये जो नंबर हमें मिला है, ये नंबर हमारा क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होगा, जो कि 0 to 9 तक के डिफरेंट डिजिट्स को यूज करके बनाया जा सकता है। ध्यान रखना ये पहले से हमारा फिक्स था। अब उसके बाद में क्या करना है, हमारे को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमारे को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है ना, डिजिट्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे छोटा डिजिट कौन सा, 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं लिख सकते, तो अगला कौन सा लिखोगे, 1 लिखोगे, लेकिन बीच में तो क्या किया जा सकता है, 0 लिखा जा सकता है, फिर उससे बड़ा क्या होगा, 2 होगा। तो ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या है, डिजिट 9 ऑलवेज एट ए हंड्रेड्स प्लेस, यानी 9 वाला जो डिजिट है वो क्या होगा, हमेशा हमारे हंड्रेड्स प्लेस पे फिक्स होगा। उसके बाद में हम कौन सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट के लिए अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें क्या करना है एक्चुअल में। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है, 9, लेकिन 9 उसने पहले ही यूज कर लिया हंड्रेड्स प्लेस में, तो उससे छोटा क्या होगा, 8 होगा। फिर 9 यहाँ आ चुका है, 8 और 9 दोनों यूज कर लिए हैं, फिर यहाँ 7 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा क्या होगा हमारा, 1 यूज करेंगे, क्योंकि 0 यूज हम हाईएस्ट प्लेस पे नहीं करने वाले। फिर 9 यहाँ यूज हो चुका है, फिर 1 से एक देखो 0 यहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी क्या है, छोटा नंबर है। फिर उससे अगला बड़ा नंबर, बड़ा डिजिट क्या होने वाला है, 2 होगा। तो ये जो नंबर हमारे को मिला है, ये नंबर हमारा क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिसके अंदर 9 हमारे हंड्रेड्स प्लेस पे आया हुआ है और हमने 0 to 9 तक के डिफरेंट डिजिट्स को यूज करके इसको बनाया। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिजिट 1 इज ऑलवेज एट हंड्रेड्स प्लेस, यानी हंड्रेड्स प्लेस पे, सॉरी थाउजेंड्स प्लेस में हमारे को क्या करना है, डिजिट 1 को हमेशा रखना है, उसके बाद में हमारे को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा, ये तो फिक्स है, उसके आगे के डिजिट्स के अंदर क्या करेंगे हम लोग, अगर हमारे को ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिख देंगे, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिख देंगे। ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 तो आ गया, फिर उसके बाद में क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 9, 8, 7। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हमारे को मिल गया। उसके बाद में सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिलेगा, तो 1 तो आ गया, फिर यहाँ क्या आएगा, 0। अब 1 नहीं लिख सकते, उससे बड़ा क्या होगा, 2 होगा, फिर उससे बड़ा क्या होगा, 3। तो ये जो नंबर है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि 0 to 9 तक के डिजिट्स को, डिफरेंट डिजिट्स को यूज करके बनाया गया अंडर द गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन हमारे को दी हुई है उसके हिसाब से। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी तीनों एग्जाम्पल में से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से उन प्रॉब्लम को आपको डिस्कस कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए।